चक्रवाती तूफान तौकते अब भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन राजधानी दिल्ली पर इसका असर अब भी दिख रहा है। बारिश से दिल्ली एनसीआर में कई जगह पानी भरने की खबरें हैं। ये तस्वीर दिल्ली के नजफगढ़ की है, जहां रात में बारिश के चलते सड़क धंस गई, जिससे एक ट्रक उसमें गिर गया। क्रेन और जेसीबी की मदद से ट्रक को निकालने की कोशिश चल रही है। हालांकि इस घटना के बाद ट्विटर पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की खूब खिल्ली उड़ रही है। ट्विटर पर कई लोग इस घटना को दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लंदन वाले बयान से जोड़कर ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली वालों से वादा किया था कि 5 सालों में दिल्ली की सड़कें लंदन की तरह हो जाएंगी। जिस पर अब इस घटना के बाद ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि बड़े लंदन में छोटी घटना हो गई। वहीं एक यूजर ने लिखा कि बड़े लंदन में छोटी मोटी घटना होती रहती है। ऐसे ही ट्वीट हैं जिसमें केजरीवाल की खिल्ली उड़ाई गई है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में दिन के अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन इस बार अधिकतम तापमान में गिरावट का रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1951 से मौजूद आंकड़े बताते हैं कि ये मई महीने का सबसे कम अधिकतम तापमान है। साल 1982 के मई महीने की 13 तारीख को अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।